सभी को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जय मसीह की। आज मैं परमेश्वर के वचन से आप सबसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। उससे पहले आप सबसे निवेदन करता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें, ताकि और लोगों तक भी ये वचन पहुँच सके और उनके जीवन बदल सके, और लोगों को और खासकर हमारे मसीह भाई बहनों को ये पता चल सके कि प्रार्थना का सामर्थ्य क्या है। आइए हमारे साथ निकालेंगे प्रेरितों के काम 16 अध्याय उसके 25 आयत में लिखा है, आधी रात के लगभग पौलुस और सीलास जब बंदीगृह में होते हुए प्रार्थना कर रहे थे और परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे, तो नींवें हिल गई और एकाएक बंदीगृह का द्वार खुल गया। मेरे प्रियो, ये पौलुस और सीलास परमेश्वर के जन है, परमेश्वर के दास है, जिन्हें लोगों ने किसी कारणवश झूठ बोल करके उनके ऊपर आरोप लगा करके कैदी जेल खाने में बंदी गृह में डलवा देते हैं। लेकिन वे उस बंदी गृह में जाकर भी परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, वो भी आधी रात को वे बैठकर प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर का भजन गाते हैं। एक बात मैं आपसे बता दूं कि हमारे जीवन में जरा सी समस्या आती है तो हम परमेश्वर पर कुड़कुड़ाने लगते हैं कि प्रभु मेरे ही जीवन में इतनी समस्याएं क्यों हैं, मेरे ही जीवन में इतनी परेशानियां क्यों हैं। लेकिन पौलुस और सीलास से हमें सीखना चाहिए सबसे पहली बात कि वे बंदी गृह में होते हुए भी प्रार्थना कर रहे हैं और उनकी प्रार्थना के बल से बंदी गृह का द्वार अपने आप स्वयं से ही खुल गया और उन सबके बंधन भी खुल गए। और जो सिपाही वहां पर पहरा दे रहा था वह डर गया जब उसने बंदीगृह का द्वार खुला देखा। उसे लगा कि ये सब कैदी यहाँ से भाग गए होंगे, लेकिन पौलुस उससे कहता है कि तू डर मत, हम सब यही हैं। वो जो पहरा दे रहा दरोगा था वो अपने आप को मार डालना चाहा कि अपने से ऊपर के अधिकारियों को वो क्या जवाब देगा, लेकिन पौलुस उससे कहता है तू मत डर, भयभीत ना हो, हम सब यहीं पे हैं और कोई भी यहाँ से भागा नहीं। तब वह दरोगा उनसे पूछता है कि हमें उद्धार पाने का मार्ग बता। तब वह पौलुस उस दरोगा से कहता है कि यीशु मसीह एकमात्र उद्धारकर्ता परमेश्वर है। इस वचन से मैं आप सबसे यही बताना चाहता हूँ कि प्रार्थना में वो सामर्थ्य है, प्रार्थना में वो ताकत है जो बड़े बड़े बंधनों को भी तोड़ डालती है। हमारे जीवन में कोई भी परेशानी हो, कोई भी समस्या हो, हम किसी भी परिस्थिति में हो, यदि हम प्रार्थना करते हैं और प्रभु पर विश्वास करते हैं तो निश्चय वह हमारे जीवन से हर एक बंधनों को तोड़ देगा। इस वचन से परमेश्वर आप सबको आशीष दे। सभी को जय मसीह।